जाएंगे अपने भैया 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 चाय पानी वाली कैंटीन ना, मेरे को थोड़ा उधर जाना है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Namaskar, aap sabhi ka puna swagat hai. Maniya collection par aa gaye hain. Maniya collection mode hai. Meeting ki koi bhi anupasthit nahi hai. Sabhi ko apni apni jo jo kaam karne hain, wo bata diye gaye hain. Sir, sabse pehla kaam hai, jila shiksha adhikari ji baithe hain. Inko pehle se hi जानकारी दे दी गई थी, यद्यपि सूचना नहीं थी, फिर भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाने के लिए अनुमान मानते हुए काफ़ी पहले बता दिया गया था, वो खाली हो गया है और अनुमान के तौर पर ही उनको एडवांस बता दिया गया था, तो उन्होंने स्कूल को पूरा खाली कर दिया है। अंकुर गोयल का एक मेजर रोल रहेगा सर एल आई सी का, जो लोग अपना सेटअप वहाँ लगाए, सिंह जी सर काफ़ी अनुभवी हैं और इनको सारा सिस्टम अजमेर का पता है। इनको लाइजन ऑफ मजिस्ट्रेट और 3 अधिकारी और 20-25 और अन्य कर्मचारी, पूरी टीम दी जाएगी। कल ही हमारे पास ये निर्देश आ गए हैं और करीब 260 जारी जो है उस मेले में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जानी, इसके लिए मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं की जानी है, इसमें प्रथम एक तो सीआईडी का रहेगा सुरक्षा से संबंधित। उर्स 2020 में पाक जायरीनों के आने की सूचना हमें प्राप्त हुई है, सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उनके लिए जो भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जानी है, तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने अपने यहां पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके रहने के लिए और उनके सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जाने हैं, जो भी उनके लिए तैयारियां हैं वो सारी पूरा कर लें। 28 तारीख को उनके आने की सूचना प्राप्त हुई है और उम्मीद करते हैं कि सभी जो भी हमारी तरफ से व्यवस्थाएं की जानी है वो समय पे हो जाएंगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। हमेशा जो पहले की परंपरा रही है वो एक महीने से भी अधिक समय के पहले हमें सूचित किया जाता रहा है, परंतु इस बार कम समय है, पर फिर भी हम लोग इस बार जो भी अच्छी तैयारी हो सकती है वो करेंगे। 260 जारी नारे हैं, बाकी सुरक्षा से संबंधित इश्यू है। देखिए, जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें लगभग हम 150 से 200 के आसपास जाप्ते का डिप्लॉयमेंट करेंगे और हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो तैयार है। जहाँ पर वो रुक रहे हैं उस जगह को सैनिटाइज करा करके वहाँ का बकायदा चेक करने के बाद में उनको वहाँ ठहराया जाएगा। उसके बाद में लगातार उनके मूवमेंट के लिए कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाएगा। और देखिए, अभी तक जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है वो 28 तारीख को अजमेर आएंगे और 7 तारीख तक यहाँ उनके रहने का। सर, कहाँ रहने की जगह उनके लिए? देखिए, जगह डिसाइड हो चुकी है, जैसा कि आपकी जानकारी में एडमिनिस्ट्रेशन है जो जगह को डिसाइड करता है, उन्होंने वो स्कूल डिसाइड कर लिया है जहाँ पर कि उन्हें रोका जाएगा। हमारी जो तैयारियाँ हैं वहाँ पर शुरू की जा चुकी हैं और पूरी व्यवस्था हम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। ठीक है।